नफ्सियात कहती है कि मोहब्बत भीख में नहीं मांगी जाती, भीख मिली हुई मोहब्बत भीख में मिली हुई रोटी से ज़्यादा बुरी होती है। साइकोलॉजी कहती है ऐसे मर्द से शादी करो जो बारिश होते ही तुम्हारे साथ बारिश में रक्स करने लगे, ना कि ऐसे मर्द से जो बारिश बरसते ही कहे कि तार से कपड़े उतार लो। जब तुम में रूह फूंकी जाती है तो तुम एक औरत के रहम में होते हो, जब रोते हो एक औरत की बाहों में होते हो, जब इश्क में मुब्तला होते हो तो एक औरत के दिल में होते हो, इसलिए उससे अच्छी तरह पेश आया करो। नफ्सियात कहती है नफरत इतनी खालिस चीज़ है कि अगर किसी से हो जाए तो साबित करने के लिए कस्में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर तल्लुक हर रिश्ता एक कीमत का मोहताज होता है, जिसे जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। किसी से मोहब्बत करने की पहली शर्त खुद से मोहब्बत है। अगर कोई आपको मोहब्बत के नाम पर जलील कर रहा है तो उसकी जान छोड़ दें, मोहब्बत और जिल्लत में फ़र्क को समझें, उस इंसान से किनारा कर लें। ताल्लुक को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं और ऐबों से कोई भी खाली नहीं है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई हमें गले लगाता है तो हम ज़्यादा पुरसकून और ताजगी महसूस करते हैं। आप अपने आप को काम में मसरूफ़ रखने से हमें खुशी मिलती है, उसकी वजह यह है कि जब हम मसरूफ़ होते हैं तो हमारे पास अपनी ज़िंदगी में मनफी चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता। 70% वक्त हमारा दिमाग सिर्फ पुरानी यादों की मदद से एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करता रहता है। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नज़र आते हैं। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है या फिर आपसे ज़्यादा दिलचस्प उनको कोई और मिल जाता है। मर्द औरत की इज्जत इसके किरदार या खूबसूरती की वजह से नहीं करता, मर्द औरत की इज्जत अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है। कम ज़र्फ़ इंसान किसी औरत की भी इज्जत नहीं करता, जबकि एक आला ज़र्फ़ उस औरत की भी इज्जत देता है जिसकी बज़ाहिर माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। खूबसूरत मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करना जानता है, उससे मोहब्बत करना जानता है, उसकी अहमियत से वाकिफ होता है और हर रिश्ते का तकद्दस बहाल रखता है। चेहरों और कद काठ से मर्द खूबसूरत नहीं बन जाते। लड़की फंसाने की नहीं बसाने की हिम्मत पैदा करो, इस तरह से जो तुम्हारे घर में है वो भी बसाई जाएंगी, फंसाई नहीं। मकाफात अमल एक कड़वा सच है। बेशक औरत हर चीज़ बांट सकती है, नहीं बांट सकती तो वो है एक पसंदीदा मर्द। हमारे ज़्यादातर ख्वाब पिछले दिन के ख्यालात और वाक़यात से जुड़े होते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ख्वाब मुस्तकिल की पेशेंगोई भी करते हैं। इंसान पर भरोसा कर भी लिया जाए तो वक्त और हालात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वक्त और हालात वो चीज़ें हैं जो हर जज्बे और हर रिश्ते को बदल देते हैं। ज़िंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। हर शख्स के रवैये की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। जब तक आप किसी दूसरे की जगह पर खड़े होकर नहीं देखेंगे, आपकी समझ में पूरी बात नहीं आ सकती। हर कहानी की दूसरी साइड ज़रूरी होती है। किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जो ये तस्लीम करते हुए ना डरे कि वो आपको याद करता है, और उसका सबसे बड़ा खौफ आपको खोना हो। कोई ऐसा शख्स जिसे ये कहने में हिचकिचाहट ना हो जो आपको आपके सामने अपना कहे और ये कहे वो आपसे मोहब्बत करता है। ऐसा शख्स जिसके लिए सिर्फ आप मैं अहम हो। कस्मों और वादों पे मत जाया करो। मर्द होता है वो अपनी मोहब्बत किसी की कभी नहीं छोड़ता। माँ बाप को भी मना लेता है बशर्ते कि मर्द हो, और जिन्होंने छोड़ के जाना होता है वो 5 बच्चों की माँ को भी तलाक दे जाते हैं। नफ्सियात कहती है अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए इम्पोर्टेड हो तो अपने चेहरे पर एक ज़ोर से थप्पड़ मारो और होश में आ जाओ। साइकोलॉजी कहती है अगर किसी को अंदर से तोड़ना चाहते हो तो ये काम करो, सबसे पहले उसे यकीन दिलाओ कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, उसे अहमियत दो, उसे वक्त दो, उसको ऐसा फील कराओ कि उसे लगे कि आपके लिए वो बहुत ख़ास है, वो बहुत कीमती है, और जब तुम पर अंधा है तो बात कर ले तो फिर नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। किसी तीसरे को अपनी ज़िंदगी में ले आओ, छोड़ दो उससे बातचीत करना मुकम्मल ख़त्म कर दो, आपका काम हो जाएगा। आपको दर्दनाक माजी के बगैर मजबूत इंसान नहीं मिलेगा। कोई भी अपने अंदर की चीज़ को तबाह किए बगैर अकलियत की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आप खुद अपने लिए बेहतरीन दिलासा हैं, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन थपकी, जो किसी भी बुरे वक्त और हालात में आपको कभी हारने नहीं देती। अपना ख्याल खुद रखें। मर्द का इश्क औरत की मोहब्बत से कई गुना मजबूत होता है। औरत मोहब्बत कर ले तब भी रस्म और रिवाज के जर में किसी और के साथ घर बसा लेती है, लेकिन मर्द अगर इश्क कर ले तो वो औरत
उस औरत को कभी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता क्योंकि ये उसकी अना बर्दाश्त नहीं करती, मगर बहुत मुश्किल से हज़ारों में से किसी एक मर्द को इश्क होता है। पता है मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है और हमारी नाफरमानियाँ देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेज देता है। नफसियात कहती है पहले तुम्हें धोखा मिलेगा, उसके बाद तुम्हें मजबूरियां बताई जाएंगी, यकीन दिलाया जाएगा इस बात का कि तुम ही गलत हो, तुम ही शक करते हो, तुम्हारा दिमाग छोटा है, तुम्हारी सोच छोटी है, और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमारा माशरा इतना बाशूर हो चुका है कि अननोन जगह से किसी खोते का भी रिश्ता आ जाए तो बेटी को ब्याह देंगे, और अगर पता चल जाए कि कोई इंसान का बच्चा उसकी बेटी को पसंद करता है तो उसे हम सफ़र बनाना चाहता है तो हर सूरत खोते को ही तरजीह दी जाएगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये अल्फाज सोच समझ कर बोला करें। इन लफ्ज़ों में छुपी सच्चाई रूहानी खुशी का बास बनती है, जबकि कई बार उन्हें लफ्ज़ों में छुपा झूठ ज़िंदगी भर के अज़ियत का सामान बन जाता है। अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों की ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों की फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल रखें, बाकियों की फ़िक्र करना छोड़ दें। एक वक्त वो होता है जब आप बिला झिझक किसी को वक्त बे वक्त मैसेज और कॉल करते हैं, बड़े हक से फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लाख तड़पने पर भी आपको हिम्मत नहीं होती मैसेज करने की। मैसेज लिखकर मिटाते रहते हैं और खाली नज़रों से बस मोबाइल स्क्रीन को देखते रहते हैं। ये वक्त बहुत मुश्किल वक्त है कि बात अल्लाह ताला किसी पर ये वक्त ना लाए। औरत की तारीफ मत करो बल्कि ये काम करो, वो मर जाएगी मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी इज्जत करो और उसे कम वक्त।